नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अदरस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने 12वीं कक्षा की अभिव्यक्ति और माध्यम के 5वें लेसन के 5 क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे आगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में करेंगे। नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है। स्वीकार जो हमें मंजूर हो और अस्वीकार जो हमें मंजूर न हो, उसके बारे में बताना है। नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है। नाटक में स्वीकार तत्व के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार कैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। इसके विपरीत जब किसी विचार व्यवस्था या तात्कालिक समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया गया है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाता। यानी जो हम नाटक करते हैं उसमें जो ज़्यादा रोल होता है वो अस्वीकार वाला, जिसमें प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चित्र अधिक आकर्षित करता है। जो उसमें जैसे एक कोई भी नाटक या मूवी हम देखते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव रोल होता है, एक नेगेटिव उसके विरुद्ध होता है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो ज़्यादातर जो रोल उसके नेगेटिव होता है वो निभाने के लिए जो पात्र होते हैं वो अधिक उत्साहित होते हैं और देखने वाले भी उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब करेंगे आगे पाठ के संवाद के बारे में। इसका प्रश्न है, पहला, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल में संबंध हो तब भी इसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। यही इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, इसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक नाटक का एक निश्चित समय सीमा में समाप्त होना ही आवश्यक होता है। उसकी जो सीमा होती है, सीमा अवधि होती है, वो निश्चित होती है। जैसे किसी मूवी की होती है 2.5-3 घंटे की, या नाटक की आधे घंटे की सीमा होती है, इसको आधे घंटे में समाप्त करना है। इसी तरह नाटक का भी एक निश्चित सीमा होती है जो समाप्त करना होता है। साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध को पढ़ने के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार समय निकाल सकते हैं। जैसे किसी हम कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के लिए अपनी सुविधा के लिए और समय निकालते हैं। एक ही कहानी को कई दिनों में थोड़ा थोड़ा पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। कोई भी कहानी हो उसे एक दिन में पढ़कर पूरा तो कर देंगे लेकिन उसमें समझ कम आएगी, इसलिए उसको अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें समझ भी ज़्यादा आएगी, इंटरेस्ट भी बनेगा। परंतु नाटक को तो दर्शकों ने एक निश्चित समय सीमा में एक ही स्थान पर देखना होता है। जो नाटक की सीमा होती है वो निश्चित समय सीमा में एक ही स्थान पर देखना होता है। नाटककार अपने नाटक का कथ्य भूतकाल से ले अथवा भविष्यकाल से ले, उसे नाटक को वर्तमान काल में
ही संयोजित करना होता है। जैसे कोई भी नाटक भूतकाल का हो या वर्तमान का, उसे वर्तमान काल में ही समाप्त करना, संयोजित करना होता है। कैसे भी नाटक हो, उसे एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर और वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। कोई भी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथानक भी नाटक के रूप में हमारे सम्मुख, हमारी आँखों के सामने वर्तमान में ही घटित होता है। इसलिए नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। इन्हीं कारणों से नाटक की कहानी बेशक भूतकाल विषयकाल से संबंध हो, इसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। ये थे हमारे दो क्वेश्चन। आपने इसको अच्छी तरह याद भी करना है और लिखना भी है। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।